गाइस आप लोग की वीडियो इसलिए वायरल नहीं होती है क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक के बारे में शायद आपको पता नहीं है या फिर आपको पता है लेकिन आप इसका यूज़ नहीं करते हो। जी हाँ, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी वर्किंग, आज भी इस ट्रिक को लोग यूज़ करते हैं और उससे उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। यहाँ पर आप प्रूफ देख लीजिए, ये मेरी एक वीडियो है, इस वीडियो में मैंने इस ट्रिक का यूज़ किया था। यूज़ करने के बाद यूट्यूब मुझे खुद बता रहा है मोर इंप्रेशन फ्रॉम यूट्यूब सर्च, मतलब मेरी वीडियो यूट्यूब सर्च में रैंक कर रही है। अब रैंक करने के बाद इसमें कितना व्यूज़ आ रहा है सर्च से वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 1700 व्यूज़ मेरा यूट्यूब सर्च से आया है और यही नहीं 1.9 के ऑलमोस्ट 2000 लोग यूट्यूब रिकमेंडेशन से आया, मतलब मेरी वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेड में जा रही है, यूट्यूब सर्च में जा रही है। मतलब ये ट्रिक पूरी आज भी वर्किंग है। तो इस ट्रिक के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, चाहे आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप दिन में मतलब एक वीडियो डालो या फिर दो वीडियो डालो, लेकिन आपको इस ट्रिक को यूज़ जरूर करना है। चलिए मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि आखिर वो कौन सी ट्रिक है जो आपको पता नहीं है लेकिन सब इसको आपको पता है और सब इसका यूज़ करके ग्रो कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं कॉन्टेंट की तरफ। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप है कि जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करो तो अपलोड करने से पहले आपको ट्रिक को लगाना है। मैक्सिमम लोग सीधा मतलब कोई भी ट्रिक लगाते हैं जिससे उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है, लेकिन ट्रिक क्या लगाना मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रहा हूँ। आप जो अपलोड करने जाओ तो अपलोड करने से पहले आपको एक ऐप करना जाना है जिसका नाम है फाइल मैनेजर, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाना है, जाने के बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। एडिट वगैरह जब आप कर दो उसके बाद ही आपको यह काम करना है, जब आप अपलोड करो अपलोड करने से 5 मिनट पहले, ठीक है। आपको जाना है फाइल मैनेजर में, जाने के बाद उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उस वीडियो को रीनेम करना है। अब रीनेम में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको वहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम डाल देना है। मान लीजिए आपका कंटेंट है टेक, आपने बनाया कि हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, ठीक है, तो आप यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे मनोज डे, टेक्निकल योगी, एलगुरु, इस तरीके का नाम डाल दोगे तो यूट्यूब समझ जाए कि वो वीडियो किस कैटेगरी की है, उसका टॉपिक क्या है, जिससे वो वीडियो इनिशियल उनको व्यूज़ मिलेगा। एलगोरिथम समझ जाए कि ये वीडियो मतलब इस यूट्यूबर की तरह है तो उन्हीं की ऑडियंस तक पहुँच जाएगी। तो ये काफ़ी यूनिक ट्रिक है, मैं इसका यूज़ हर वीडियो में करता हूँ, मेरी मैक्सिमम वीडियो में उसको रीनेम जरूर करता हूँ, तो इसको भी आप यूज़ करिए। गाइस अब आता है सेकंड स्टेप, उसमें आपको क्या करना है कि जब आप अपनी वीडियो को शूट करो तो शूट करने के बाद आप उस वीडियो को जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाओ, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए उस वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट का बनाते हैं, जिससे वो वीडियो लोग पूरा नहीं देखते और वो वीडियो वायरल नहीं हो पाती है। गाइस आपको अपनी वीडियो में जो जो मतलब जो काम की चीज़ें हो तो उसको हटा देनी चाहिए, सब्सक्राइब का एनिमेशन, इंट्रो वगैरह सब हटा देना, इससे कोई भी आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑडियंस को आपका कंटेंट देखने आई है, वो आपको इंट्रो वगैरह दिखने नहीं आई है, तो आपको अपने कंटेंट को ही दिखाना है। बस मान लीजिए आपने टॉपिक बनाया, 2 मिनट की वीडियो बनाई और 2 मिनट की ऑडियंस उस वीडियो को 1.5 मिनट तक देख लेती है तो वो वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी, क्योंकि उसका ऑडियंस रिटेंशन 75% करेगा, तो वो वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी, होगी 100% चांस है। तो आपको अपनी वीडियो को छोटी बनाना है, मान लीजिए आपका टॉपिक आपने 2 मिनट का बनाया, 3 मिनट का बनाया, इतना ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 5-10 मिनट का नहीं बनाना है, ठीक है। मिनिमम आपका जो मैक्सिमम जो होगा वो होगा 3 मिनट या फिर 4 मिनट, इससे ज़्यादा आपका टाइम आप आना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट ट्रिक और ये सबसे मेन और सबसे वर्किंग ट्रिक है, इसको इसमें आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ उसको आप सिंपल बनाने के बाद अपलोड कर दो, अपलोड करने के बाद आपको इस ट्रिक को लगाना है। ट्रिक क्या लगाना है कि आपको उसी टॉपिक पर सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करना है, सर्च करने में जो टॉप में वीडियोज़ हो उसका सिंपल लगना है, लोग बोलते हैं कि उसका टाइटल कॉपी करके अपने टाइटल में डाल दो, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिंपल उस वीडियो को लिंक को कॉपी करना है, ठीक है, लिंक को कॉपी करना है। फिर उस लिंक कॉपी करने के बाद मैंने एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, उस ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, ऐप का नाम है टैग यू। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करनी है, यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक को पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपको वहाँ पर उस वीडियो का सारा मेन में जो रैंकिंग कीवर्ड है, मान लीजिए आपने बनाया 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें और आपने जो टॉप पे जो इस टाइटल पे मतलब रैंक कर रही है उसी का आपने लिंक कॉपी कर लिया, तो आपको सारा उसका मेन में जो मतलब रैंकिंग कीवर्ड है वो मिल जाएगा, जिससे अगर आप उस टैग को अपने टैग्स में लगाओगे तो आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी, क्योंकि टॉपिक जो है वो सेम है, आपका मतलब टाइटल भी मतलब कैटेगरी बिल्कुल चैनल की कैटेगरी सेम है तो टैग भी सेम रहेगा ना, तो आपको भी ये टैग भी सेम लगाना है। तो आपको इसको तीनों ट्रिक को यूज़ करना है, पहला मैंने बताया कि आपको रीनेम करना है, सेकंड मैंने आपको बताया कि अपनी वीडियो का मेन मेन टॉपिक पर बात करना है, और थर्ड मैंने आपको बताया SEO का टैग का, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिक्स को लगाना है, बाकी अगर आप मेरा मतलब माइक और ट्राइपॉड देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, बाकी मुझे सपोर्ट करना तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।